नोटिस तो निशुल्क है, अगर उस पर बकाया है वो बकाया जमा करेगा। नहीं शुल्क आया तो लिख के दोगे आप? क्या शुल्क है उसका नोटिस का? नोटिस का अगर आप शुल्क ले रहे हैं तो उसके बदले में कोई रसीद वगैरह कुछ दे रहे हैं? रसीद छपी भी आ रही है, छपे में नोटिस मिलेंगे, अब जिसको भी मिलेगा छपा हुआ मिलेगा। छपे नहीं, कितने पैसे का है नोटिस आप बताइए? आप जो कह रहे हैं शुल्क मिल जाए। आपने अपने रिकॉर्ड में कहीं मेंशन किया है कि आपने किस व्यक्ति? अभी बेटा सबको मेंशन किया हुआ ही मिलेगा। मैं अभी की बात नहीं, नहीं सबको मेंशन किया हुआ मिलेगा। कुछ लोग फ्री में ले रहे हैं, आपने अगर मुझसे 100 रुपए लिए तो क्या मेरे नाम के आगे फ्री में ले रहे हैं? कुछ लोग 100 रुपए लिए और इसकी रसीद। हाँ तो वो आपको एडवांस में दे दिया गया ना? कैसे, क्या दिया है एडवांस में? दे दिया गया। अगर आपको किसी के पास कोई रिकॉर्ड है? मेरे पास नहीं जी, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं। सेक्रेटरी और ठीक है। कौन से गांव से आए? अच्छा, यहाँ क्या नामांकन पत्र खरीदने आए थे या नोटिस लेने आए? नामांकन पत्र नोटिस सभी लेने के लिए। अच्छा, नामांकन पत्र खरीद लिया आपने? कितने पैसे दिए नामांकन? 300। नोटिस जो लिया है आपको, नोटिस में तो किसी ने कोई पैसा नहीं लिया या लिया है? 500 रुपये। 500 रुपये लिए हैं? किसने लिए हैं जानते हैं क्या आप? उस अधिकारी का नाम वगैरह कुछ जानते हैं? 500 रुपये लिए। क्या नाम भाई साहब आपका? इतवारीला जी। आप ब्लॉक सागारा में सभागार में आए काय के लिए आए? कागज बनवाने आए सर। तो काय का इलेक्शन लड़ रहे हैं आप? BDC का। तो यहाँ पर कोई रिश्वत वगैरह तो नहीं मांगी जा रही आप लोगों से? अरे लिस्ट के 300 रुपये लिए हैं। 300 रुपये काय के लिए हैं? लिस्ट बनवाई इसके, वोटर लिस्ट के। तो इसमें आपको रसीद काट के दिए इसकी क्या? नहीं काट के नहीं दिए। नहीं। अच्छा ठीक है, जबकि मैंने आपको ऐसा कुछ दिया नहीं है और आपने मेरे पास ये राशन कार्ड वितरण का काम है। अच्छा, नोडूज है ये लिस्ट है। इधर भाई इधर फोकस डालो। ये 17 ग्राम पंचायतों का 198,000 रुपया बाकी है सरकारी पैसा। इन लोगों को नोटिस नहीं देना है। ये राशन कार्ड के बकाया दारों की सूची लगी हुई है मेरे पास। इनको नोटिस नहीं देना है। आपको नहीं देना। आप मैं आपसे बात इसके लिए कर रही हूँ। निशुल्क जो आप नोट यूज दे रहे हैं, आपने उसके लिए चार्ज किया है सबसे, ठीक है? आपने चार्ज किया। बाहर ऐसे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं जिनके ऊपर बकाया नहीं है और उन्होंने नोटिस लेने के बाद आपको 500 रुपए देने हैं। उन्हें बताना चाहिए था ना कि पैसे नहीं देना। नहीं नहीं, मेरी बात ये नहीं है। फिर मैं राशन कार्ड के बकाया दारों को देखते हुए ये जारी कर रहा हूँ। नहीं, जिन लोगों को नोटिस जो ले चुके हैं उन्होंने पैसे दिए हैं, उनसे किस वजह के लिए पैसे लिए आपने? सब कुछ आपने ये फाइल नहीं खोली थी, आप रजिस्टर में नोटिस करें, बकायदा आपने नाम लिखे, लेकिन शायद आपने उनके नाम के आगे नहीं लिखा होगा कि आपने किससे कितने पैसे लिए, जबकि आपने लिए। जिला पंचायत में कितने पैसे लिए जा रहे हैं जी? जिला पंचायत में अभी आई थी SDM जी। आप अपनी बताइए, आप दूसरे का मतलब आइए। 500 रुपये दूसरा आदमी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है? दूसरा आदमी अगर कहीं जा रहा है तो आप भी जाएंगे क्या? तो वो बोले सब दे रहे हैं। आपके पास कोई नोटिफिकेशन है? हमारे पास साफ उन्होंने कहा है, सबके सामने उन्होंने कहा है ना कि नो ड्यूज थे, सबके सामने उन्होंने बोला कि नो ड्यूज है, उस पर कोई एक पैसा नहीं। तो आपको जितना पैसा आपने दिया है जिससे भी, आप वो पैसा सबको वापस करें अभी इसी वक्त। इनफैक्ट मेरा भी और जो पीछे जनता खड़ी है उसका भी, पीछे जो सेक्रेटरी है मंसूरगंज के, उन्होंने भी पैसा लिया है, उनसे भी हम पैसा लेकर आए वापस। आप ना जाने पूछे, वो गेट बंद करके बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो वहाँ गेट बंद करके बैठे हैं, उनसे सेक्रेटरी लिए हैं 100 रुपये। तो आप वो पैसा सबको वापस करिए। जनता ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ?
अभी SDM आई थी जो बाहर जिला पंचायत के जो फॉर्म फिल हुए हैं उसके लिए 500 रुपये चार्ज है जो वो बता के मिली। नहीं 500 रुपये चार्ज है, आप मैं आपको पूरी बात बता रही हूँ। 500 रुपये चार्ज है जो उन्होंने बताया जो सबने दिए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ग्राम और क्षेत्र के जो नोट यूज मांगे जा रहे हैं उसके लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, किसी से 600, किसी से 100, किसी से 250, किसी से 500, ठीक है। सुबह मैं आई, मुझे इतना नहीं पता था कि क्योंकि 250 रुपये उन्होंने बोला, ठीक है। भैया बोले मुझे 500 रुपये चाहिए, मैंने इनको 1000 रुपये दिए। मैं फिर आई क्योंकि मैं पढ़ा, मैंने कहा नहीं 250, मैंने इनसे 250 रुपये वापस ले लिए। मैंने कहा सर आपने जब महिला 250 रुपये हैं तो आपने क्यों 500 रुपये लिए, आप मेरे पैसे क्यों वापस दिए। इन्होंने मुझे 250 रुपये वापस दिए। फिर ये है इनका फॉर्म, ये मेरे जो है भतीजे हैं, मैं इनका फॉर्म जो है देने इनका सबमिशन करने आई यहाँ पर। इन्होंने मुझसे पहले कहा सर कितने चार्जेस हैं, बोले 500 चार्ज है। इनका 500 तो नहीं है तो बोले आप दे दीजिए, ठीक है। मैंने 300 रुपये इनको दिए, ना ही कोई मिठाई का सीन था ना ही कुछ था। लेकिन अब जब मैं आई, जब मेरी SDM से बात हुई है तो उन्होंने साफ बोला है कि वहाँ जो है वो नोटिस पे लिखा हुआ है फॉर्म पर कि 500 रुपये चार्जेस हैं, उसके अलावा जो भी पैसा लिया जा रहा है वो नहीं लेना, वो गलत, तो वही पैसा मैं वापस ले जाऊंगी। आपने जो 300-250 दिए हैं वो नोडूज के दिए हैं या नामांकन पत्र खरीदने के? नहीं, नोडूज के दिए, नोडूज के दिए, जबकि नोडूज तो टोटल निःशुल्क बनना है। अगर आप पे बकाया है, बकाया जमा करने के बाद उसके चार्जेस किए, किसी ने 500 कर रहे हैं, किसी क्या, जिसने आपसे पैसे लिए हैं आपको उसका नाम ज्ञात है क्या? नहीं, उनका नाम ज्ञात नहीं, वो अंदर बैठे, शक्ल मुझे अच्छे से याद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अर्ष इकबाल। अच्छा, कहाँ से, कौन से गाँव से है? मैं मंसूरगढ़ से। भाई साहब आप फतेहन पश्चिमी नगर विकास खंड क्षेत्र में आए हुए हैं और किस उद्देश्य से आए हुए हैं आप ये बताइए। क्या नाम, पहले आप अपने नाम बताइए। मेरा नाम अरविंद कुमार। कहाँ रहते हैं? ग्राम कुर्तरा, पूर्व प्रधान। अच्छा, मैं यहाँ प्रधान पद का उम्मीदवार से कागज बनवाने लेने आया हूँ आज, और यहाँ नोडूज के लेने के गया था तो बताए थे 500 रुपये से कोई कम कर, नोडूज ही नहीं, जबकि SDM साहिब आई हुई हैं, उन्होंने कहा जिला पंचायत का जरूर 500 रुपये पड़ेंगे, बाकी के सारे फ्री मिलेंगे, लेकिन कोई भी अधिकारी फ्री देने को तैयार ही नहीं है। फोटो रजिस्टर यहाँ इतनी धांधली चल रही है, 10 रुपये पेंच के हिसाब से दे रहे हैं, जबकि आपकी फ़ोटो स्टेट कराओ तो जन सुविधा केंद्र से लेंगे तो 2 रुपये कापी के हिसाब से वो ले रहे हैं। यहाँ बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कोई कोई रोकने वाला नहीं, ना कोई देखने वाला। ठीक भाई साहब, सेक्रेटरी साहब मोरपाल सिंह कह रहे हैं कि ये सारा पैसा जो आ रहा है, जो यहाँ टेंट लगेगा और जो बाकी अधिकारी जो लोग आएंगे उनके ऊपर खर्च होगा, इसलिए पैसे हम इसलिए ले रहे हैं ज़्यादा। हमारा जो बिल वाउचर जो भी आएगा 3-4 महीने बाद आएगा सरकारी पैसा, तब तक हम कहाँ से पेमेंट करेंगे, इसलिए ये पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद।